साई तो ध्यान में है, फिर प्रवचन का क्या? प्रवचन होगा भाई जाका के। साई ने कहा था कि उनके ध्यान से लौटने पर प्रवचन होगा, लेकिन वो कब ध्यान से लौटेंगे और कितना समय लगेगा ये नहीं कहा। जरूर किसी को सही राह दिखा रहा होगा मेरा साईं। कहाँ जा रही हो बेटी? आगे घना जंगल है, जंगली जानवर रहते हैं वहां, अकेले जाना खतरनाक है। क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रही हो? क्योंकि मैं जीना नहीं चाहती काका। ऐसा क्यों कह रही हो? जिंदा रहकर अपने मायके वालों की परेशानियों का कारण बनूंगी, मेरे मर जाने में ही उनकी भलाई है। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर जाओ। बेटी जाते जाते बस एक बार अपने दाएं और बाएं जरूर देख लेना। बेटी, बेटी सुगंधा। ऐसा मत कर बेटी, ऐसा मत कर। तुझे कुछ हो गया तो तुम्हें जीते जी मर जाऊंगा। मेरी जान तुझ में बसती है बेटी, तू अपनी जान ले लेगी तो मेरी जान कैसे बचेगी? मैंने अभी जो देखा क्या वो मेरा भविष्य था काका? तुम्हें लगता था ना कि तुम्हारे चले जाने से तुम्हारे मायके की परेशानियां खत्म हो जाएगी? शायद इसीलिए ईश्वर ने तुम्हें सच दिखा दिया। अब तुम ही बताओ कि तुम्हारे इस संसार में ना रहने से क्या तुम्हारे आई बाबा को सच में परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी? अपने प्राण देकर तुम अपने जिम्मेदारियों से मुक्त हो रही हो। तुम्हारी जिम्मेदारी जो अपने माता पिता के प्रति है उससे तुम मुक्त हो रही हो। तुम भाग रही हो अपने माता पिता को दुख के भंवर में छोड़ के, अपने लिए आसान रास्ता चुन रही हो। तो
कौन थे वो बाबा, कहाँ गए? लगता है वो मुझे जीवन दान देने आए थे। हे ईश्वर, आपने मुझे जान देने से तो रोक लिया, अब मेरी परेशानी भी हल कर दीजिए। मेरे आई बाबा को आने वाले संकट से बचा लीजिए। हाँ, चली गई है। सुगंधा, सुगंधा, हाँ हो सुगंधा, कहाँ चली गई थी तुम? पता कितना घबरा गया था मैं। ऐसे बिना बताए कहीं मत जाया करो। तुम तो जानती हो ना कि मेरे लिए तुम कितनी महत्वपूर्ण हो, जानती हो कि नहीं? अब चलो, देर हो रही है, रात होने से पहले जंगल पार कर लेने में ही भलाई है। चलो। चलो भाई। बेवा, क्या बात है, और कितना समय लगेगा साई को? बड़ी देर नहीं हो गई? साई देर करते नहीं, देर होने से बचाते हैं। क्यों हंसराज भाई? सुन रहे हैं ना? साई का कहा मान लीजिए, इससे पहले कि देर हो जाए। साई, साई, माफ करना, आज थोड़ा इंतजार करना पड़ा सबको। केशव, मैंने सुबह तुमसे कुछ मंगवाया था, लाए हो? जी सही। बता सकते हो ये क्या है? तराजू। नहीं, ये इंसान की जिंदगी है। और ये हाथ जिसने इसे थाम रखा है, ये इंसान का विवेक। अगर इंसान अपनी जिंदगी विवेक के हाथों सौंप दे तो इसका संतुलन कभी नहीं बिगड़ता। और अगर विवेक के हाथों में ना हो तो जीवन धाराशायी हो जाता है।
इसीलिए ये जरूरी है कि हम किसी भी परिस्थिति में अपना विवेक ना छोड़ें। राम जी हमारी कई प्रकार से परीक्षा लेते हैं। जब सामने कोई शत्रु या अड़चन हो तब तो हम उसे पहचान लेते हैं और सचेत हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी मुश्किल अच्छाई के भेस में भी आती है। कभी कभी लोग हमसे मीठी बातें करते हैं और उनके इस व्यवहार पर हम अपनी आंखें मूंद लेते हैं, असावधान हो जाते हैं। हम लोगों को अपने ऊपर हावी होने का मौका देते हैं। चलना तो सभी को आता है, लेकिन रुकना कब और कहां है ये जिसे समझ आ जाए वो इंसान सुखी है, सरस है। क्या हो रहा है? क्या हुआ आपको? उबी का पानी पी लो, आराम मिलेगा। पानी पी लो। धन्यवाद साईं। अपना ख्याल रखना हंसराज, और दही का सेवन बंद कर देना। जी साईं। सुगंधा और जावे बापू आ रहे हैं ना? हाँ, कल सुबह तक आ जाएंगे। क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रही हो। वो आज सुबह से मेरी दाई आंख फड़क रही है, डर लग रहा है। डर? ऐसा डर?
कहीं फिर से कुछ ऐसा ना हो जिससे घर की शांति भंग हो जाए। कमल तुम ऐसा सोच ही क्यों रही हो? क्योंकि इससे पहले ऐसा ही तो हुआ है। जब जब घर में कोई त्योहार, कोई उत्सव या खुशी का मौका आया है, तब तब कोई ना कोई परेशानियां तो जरूर आई है, और कारण हमेशा एक ही रहा है। कमल इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरा मन कहता है कि गणेश की मेहनत और तैयारी अवश्य रंग लाएगी, और ईश्वर उसकी राह में कोई बाधा नहीं आने देंगे। तुम चिंता मत करो। साई, मटके में पानी इतना ही था, मैं अभी कुएं से भरकर ले आता हूँ। नहीं भीवा, थोड़ी देर बाद मैं सो ही जाऊंगा, और इतनी रात गए कुएं से पानी लेने जाना ठीक नहीं है। लेकिन साई, अगर रात बेरात आपको जरूरत पड़ी तो? मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, और कुएं के आसपास फिसलन होती है, रात के अंधेरे में दिखाई नहीं देगी, इसलिए तुम घर जाओ और आराम करो। मुझे पता है साई, आप ऐसा इसलिए कह रहे क्योंकि आपको लगता है मैं बेवजह परेशान हो रहा हूँ। साई, अगर मैं आपके लिए पानी लाने नहीं गया ना, तो मुझे रात भर नींद नहीं आएगी, ये सोचकर कि कहीं आप प्यासे ना हो, इसलिए मुझे जाने दीजिए, मैं यूं गया और यूं पानी लेकर आया। देवकी, सुबह जो दही खरीदा था उसमें से शाम के लिए दही जमा के रखा था ना? फिर से दही? आप क्यों नहीं समझते हैं? साई आपको बार बार सचेत कर रहे हैं और आप है कि सुनते ही नहीं। देवकी, साई जानते हैं कि मेरी दही खाने की आदत नहीं छूटेगी। वो मुझे दही ना खाने के लिए बोलते हैं, पर मैं उनके सामने हाँ करता हूँ। वो भी समझते हैं कि मैं कितनी गंभीरता से उनकी बातों को ले रहा हूं। जानती हो क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि इतने सालों से जो मेरी दही खाने की आदत नहीं गई, तो भला आप कैसे जाएगी? हे भगवान, आप क्यों नहीं समझते हैं? साई की हर बात का कोई ना कोई कारण जरूर होता है। होता है, पर वो उन सब लोगों के लिए जिन्हें कोई परेशानी हो, मुझे थोड़ी ना कुछ ऐसा है। और देवकी, मैंने तो आज तक नहीं सुना कि दही खाने से किसी को कोई परेशानी हुई हो। अब छोड़ो ये सब और बताओ दही कहाँ है? दही नहीं जमाया मैंने। मैं जानता था तुम यही करोगी। ये देखो, मैं जानता था तुम दही नहीं जमाओगी, इसीलिए मैं बाद में बाजार जाके फिर से दही ले आया था। हे भगवान, क्या करूं मैं अब इनका? करना क्या है, बस मुझे दही खिलाती रहो।
लग गई ना चोट। समझाया था लेकिन मैंने आपकी बात नहीं मानी, गया और फिसल के गिर गया। देखिए ना चोट लग गई। कहा था मैंने सर बैठो। आपके समझाने के बाद भी मैंने आपकी बात क्यों नहीं मानी? जीवन में अक्सर ऐसा होता है भीवा। राम जी हमें किसी ना किसी रूप में गलती करने से रोकते हैं, संकेत देते हैं, कभी गुरु के रूप में तो कभी परिजन के। अगर हम समझ जाएं तो भला, और अगर ना समझें तो फिर राम जी ही सही सबक सिखाते हैं। धन्यवाद साई, आप आए बहुत अच्छा लगा। राम जी भला करे। बस थोड़ी देर में पूजन आरंभ होगा, आता हूं। आइए आइए सावई बापू आइए। गणेश कैसे हो? बढ़िया। जब से मैंने तुम्हारे नए व्यापार के बारे में सुना है मैं तो खुशी से फूला नहीं समा रहा हूं। पूरे गांव में मिठाई तक बंटवा दी है मैंने। साईं आप भी यहां? सुबह सुबह आपके दर्शन हो गए, मैं तो धन्य हो गया। मालिक तुम्हें सद्बुद्धि दे। यजमान मुहूर्त का समय हो गया है, पूजन आरंभ करते हैं।
तुम्हारे पति तो बहुत अच्छे हैं, आते ही सबसे घुल मिल गए हैं। सच में तुम किस्मत वाली हो। हाँ बेटी, आपसे कुछ बात करनी है। ठीक है। गोवर्धन जी। जी साई। आपके बेटे का नया व्यापार शुरू हुआ है। ऐसे समय में उसे आपकी जरूरत है, मानसिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी। वो हमेशा से एक आदर्श बेटा रहा है, अब आपका आदर्श पिता बनने का समय आ गया है। आप निश्चिंत रहिए साई, मैं तन मन धन से गणेश के साथ हूं। याद रखिएगा अपनी बात। जी साई। आओ बेटी। जी भला करे। गणेश, सुपारी को पान के पत्तों के ऊपर रखकर आठों दिशाओं में रगा। और वसु, तुम भोग ले आओ। जी पंडित जी। हमें खुशी है कि सुगंधा को आप जैसा फिक्र करने वाला, उसकी इच्छाओं को पूरा करने वाला पति मिला है। मेरे जीवन का तो एक ही उद्देश्य है, सुगंधा की हर खुशी का ख्याल रखना। अब जितना मुझसे बन पड़ता है, जितना मुझ में सामर्थ्य है, उतना मैं करता रहता हूं। बस कभी कभी मजबूरी हाथ बांध देती है। मतलब? थोड़े दिन पहले सुगंधा ने कहा कि उसका पुराने मकान से जी उब गया है, मकान की मरम्मत करवा के उसको नया बनवा लेते हैं। बस उसकी जबान से निकला
और मैंने मरम्मत का काम शुरू करवा दिया। है ना सुगंधा? पूजा पाठ करते समय मन में श्रद्धा होनी चाहिए, ना कि चिंता या कोई और विचार। साईं, आपसे तो कोई भी बात छुपी नहीं है, अब आप ही बताइए जो मैं सोच रही हूं क्या वो गलत है? बाबा, लेकिन काम आधे में ही रुक गया क्योंकि पैसे नहीं है। इस बार तो बहुत मुश्किल हो गए, सारा घर अस्त व्यस्त है, सभी कमरों की मरम्मत तक नहीं हुई है, एक भी कमरा रहने लायक नहीं बचा है, हमें आंगन में सोना पड़ रहा है। पर गलती मेरी है, मुझे काम शुरू करने से पहले एक ठोस योजना बना लेनी चाहिए थी। मुझे माफ कर देना सुगंधा, मेरे कारण तुम्हें इतनी मुश्किल हो रही है। बाबा, आप कुछ मदद कर दीजिए ना। अवश्य करता बेटी, लेकिन अब मेरे पास पैसे नहीं है। जो थोड़े बहुत थे वो आज गणेश को दे दिए। कभी निराश नहीं किया है तुम्हें, जितना मुमकिन था मैंने किया है। सुगंधा, मैंने तुमसे कहा था ना कि आई बाबा को परेशान मत करो, हम रह लेंगे उस आधे अधूरे मकान में, सो लेंगे हम बाहर आंगन में। मैं एक काम करता हूँ, बरसात आने से पहले कर्जा लेके मकान की मरम्मत करवा लेता हूँ, बाद में कर्जा चुकाने के लिए 2-3 काम कर लूंगा। पर मुझे चिंता तो अपनी आई बाबा की है, अब इस उम्र में उन्हें घर से बाहर तो नहीं रख सकते हम। जब तक हालात बेहतर नहीं हो जाते, हो सकता है उन्हें वृंदावन के किसी आश्रम में भेजना पड़े। कम से कम वहां उनके सर पे छत तो रहेगी। क्या बोलती हो सुगंधा? नहीं वसु, तुम गलत नहीं हो। तुम्हारा डर पिछले अनुभवों के कारण पैदा हुआ है, इसलिए वो बिल्कुल सही है। लेकिन तुम्हें यह भी सोचने की जरूरत है कि उस डर से तुम्हें आखिर क्या मिलेगा। डर और बेचैनी से काम बिगड़ जाता है, लेकिन धैर्य और आशा में वो शक्ति होती है जो बिगड़े काम को भी बनाते हैं। जहां तक हो सके हमें गलती होने से रोकनी चाहिए, लेकिन जब हमारे लिए कुछ भी कर पाना संभव ना हो तो हमें परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये सोचकर कि जो हो रहा है वो मेरे हाथ में नहीं है, तो जरूर ईश्वर के हाथ में होगा। उसमें या तो हमारा भला छिपा होता है या कोई ऐसी सीख होती है जो हमारा आगे का जीवन सुखी कर देती है। आप जो कह रहे हैं वो मैं समझ रही हूं और आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन साईं, मैं तो बस एक साधारण सी स्त्री हूं। मैं कोशिश करती हूं।
हाँ बाबा, कुछ तो कीजिए ना। मैं ससुर जी और सासुबाई को वृंदावन के आश्रम में जाते हुए नहीं देख सकती। अगर पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो हमारा पूरा घर बिखर जाएगा। गणेश, कहाँ जा रही? जाने दो उन्हें, हमारा काम हो गया है। अब वो आपस में बात करके वही तय करेंगे जो हम चाहते हैं। रुकिए पंडित जी। क्या हुआ? बसु, हम ये व्यापार शुरू नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्यों नहीं कर सकते? सुगंधा को पैसों की जरूरत है। हमें जमीन का सौदा रद्द करना होगा। गणेश बेटा, जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा। तुम अपना व्यापार शुरू करोगे सुगंधा के लिए हम और कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। आई, हम जानते हैं दूसरा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन ये व्यापार तेरा सपना है। मैं अपनी बहन का दिल तोड़कर अपनी खुशी की इमारत नहीं खड़ी करना चाहता हूँ। इससे पहले मैंने ये सपना देखा था कि सुगंधा हमेशा खुश रहे। इस नए सपने के लिए मैं वो सपना नहीं तोड़ सकता। और मैं नहीं चाहता कि सुगंधा के ससुराल में बाबा की छवि खराब हो। वसु, वसु, साई, मेरे किस जन्म का पुण्य है जो ऐसा बेटा मुझे मिला। अपनी सारी मेहनत, सारे सपने कुर्बान कर दिए और माथे पर एक शिकन तक नहीं आने दी। अपने पिता की सारी जिम्मेदारी अपना कर्तव्य समझकर पूरी कर रहा है। वो तो एक बेटे का फर्ज निभा रहा है गोवर्धन जी, लेकिन क्या आप पिता का फर्ज निभा रहे हैं? मैंने तो पूरी कोशिश की है पिता का फर्ज निभाने की, अपने दोनों बच्चों के साथ। इस बार हालात के कारण गणेश को समझौता करना पड़ा है, पर मेरा घर, मेरे खेत उसी के तो होंगे। तो फिर सुगंधा का भी तो ख्याल रखना था। बड़ी धूमधाम से शादी की थी उसकी मैंने। जितने पैसे खर्च कर सकता था उतने पैसे खर्च किए। शादी के बाद भी बार बार उसकी आर्थिक मदद की है मैंने। मेरी बेटी ससुराल में खुश रहे उसके लिए मैंने हर संभव कोशिश की जो मैं कर सकता था। लेकिन आपने जो किया क्या वो पर्याप्त था? सुगंधा की आर्थिक मदद करने से सब कुछ ठीक हो गया?
लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं साई? बेटी को मना भी तो कैसे करें? मैंने पहले भी कहा है, जीवन एक तराजू की तरह है, उसमें संतुलन जरूरी है। अगर संतुलन बिगड़ जाए तो अस्थिरता निश्चित है। लेकिन अब समस्या हल हो चुकी है साई, अब से मैं अपने बेटे पर ध्यान दूंगा। गोवर्धन जी, संसार की कोई भी मुश्किल भाग जाने से या मुंह मोड़ लेने से टलती नहीं है। मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि लड़ाई अभी खत्म नहीं बल्कि शुरू हुई है। स्मरण रहे, जीवन में संतुलन जरूरी है। हम जो भी करते हैं वही हमारे जीवन की आगे की दिशा निर्धारित करता है। अब मेरी भिक्षा का समय हो गया है, मैं चलता हूं। राम जी भला करें। मुझे डर था कि आपका गला फिर खराब होगा, इसलिए कल आते वक्त साईं से उदी मांग लाई थी। पर ऐसा हमेशा तो नहीं चल सकता ना, इसलिए आज मैंने सोच लिया है, आज मैं आपको खाने में दही नहीं देने वाली। कल इतना बड़ा हादसा होते होते टल गया साईं के कारण, और आज भी नहीं। अगर आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो मुझे ही जबरदस्ती करनी पड़ेगी। दही नहीं छोड़ सकता हूँ मैं। साई ने कहा है, कम से कम उनकी बात का तो मान रख लीजिए। इसमें बार बार साई का नाम मत लो तुम। जरा सोचिए, साई को पता चलेगा तो कैसा लगेगा उन्हें? मैं दही खा रहा हूँ ये बात मैं जानता हूँ, या फिर तुम? मैं साई को नहीं बताऊंगा, पर तुम्हें मेरी कसम तुम भी उनसे कुछ नहीं कहोगे। फिर ना तो साई को पता चलेगा और ना उन्हें बुरा लगेगा। भिक्षाम देही। साई, प्रणाम। साई, राम जी भला करें। प्रणाम साई। तुम्हारी तबीयत कैसी है हंसराज? जी मैं ठीक हूं। ही खाया था? मैं दही खा रहा हूं ये बात मैं जानता हूं, या फिर तुम? मैं साई को नहीं बताऊंगा, पर तुम्हें मेरी कसम तुम भी उनसे कुछ नहीं कहोगे। जी ये खराश पहले वाले दही का असर है। हाँ
देवकी, भिक्षा दो साईं को। नहीं, मैं सुबह से कुछ ढूंढ रहा हूं, पूरे गांव में नहीं मिला, तुम्हारे पास भी नहीं होगा वो। साईं आपको क्या चाहिए मुझे बताएं, आपकी दया से घर में सब कुछ है, फल अनाज सब्जियां। एक मटका दही। मैं सुबह से कुछ ढूंढ रहा हूं, पूरे गांव में नहीं मिला, तुम्हारे पास भी नहीं होगा वो। साईं आपको क्या चाहिए मुझे बताएं, आपकी दया से घर में सब कुछ है, फल अनाज सब्जियां। एक मटका दही। लेकिन तुमने तो दही खाना छोड़ दिया है, इसलिए तुम्हारे पास भी नहीं होगा ना। ये तो धर्म संकट हो गया, घर में दही रखा है, अगर साईं को दिया तो भांडा फूट जाएगा और नहीं दिया तो झूठ बोलना पड़ेगा। पहली बार साईं ने मुझसे कुछ मांगा है, उन्हें झूठ बोलकर खाली हाथ भी कैसे भेजूं। शुक्रिया साईं, मैं समझ गई। तो नहीं है ना दही तुम्हारे पास? ये लीजिए साईं। इन्हें तो मैं दे नहीं सकती, पर आपको दही दान करना मेरा सौभाग्य होगा। धन्यवाद देवकी, अपना ध्यान रखो हंसराज। जी साईं। दही के लोभ में आज आप साईं से झूठ बोलने लगे थे। मैंने झूठ कुछ नहीं कहा, सिर्फ उन्हें सच नहीं बताया। अच्छा, मैं बाजार जाके थोड़ा दही लेके आता हूं। साईं, मुझे इनकी बहुत चिंता है, इनसे नहीं हो पाएगा। दही की ऐसी लत लग गई है इन्हें, जिसके आगे ये किसी की नहीं सुन रहे हैं। जैसे आपने अभी मेरी दुविधा दूर की, इनका भी इलाज आप ही को ही करना होगा। ओ, जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम। Oh,
ये क्या कर रहे हैं जीजा जी आप? आप मेरे बहन के पति हैं, आप उसकी खुशियों का ख्याल रख रहे हैं, उसे खुश रख रहे हैं, इसके बदले में तो बहुत छोटी रकम है। आओ सुगंधा, आई बाबा का आशीर्वाद ले लेते। जावी बापू, मेरी बेटी का ख्याल रखना। जी बिल्कुल। चले अपनी कसम देकर मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करूं। ऐसा लग रहा है जैसे इनके लिए विष तैयार कर रही हूं, पर ये समझ ही नहीं रहे हैं। कुछ करिए साईं, इससे पहले कि कोई संकट आए रोक लीजिए। कबीरा चिंता क्या करूं, चिंता से क्या होए, मेरी चिंता हरी करे, चिंता मोही न कोए। मक्खी कैसे फूटी? बिल्ली? हे भगवान, मेरा दही। कोई बात नहीं, तुम जल्दी से थोड़ा दही और जमा दो। दूध खत्म हो चुका है और इतनी रात को मिलेगा भी नहीं। अब आपको कल दोपहर के खाने में दही नहीं मिल पाएगा। जो हुआ सो हुआ, मैं कल सुबह सुबह जाके दूध ले आऊंगा, तुम दही जमा लेना। शाम तक जम जाए, मैं रात के खाने के साथ दही खा लूंगा।
आओ साईं, खाना खा लो। थोड़ी देर रुक जाओ भाई साहब। महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओम साई ओम। चलो भाई सामा साई खाना खा ले। ओम साई ओम साई ओम साई नाराज मत हो सो, मुझे समझने की कोशिश करो। तो अगर मैं तुम्हारा पति हूं तो सुगंधा का भाई इससे कहीं पहले हूं। भाई अपनी बहन को दुखी कैसे देख सकता है? मैंने जो किया उसकी खुशी के लिए किया, उसकी खुशी मेरी पहली प्राथमिकता है। आपने जो किया उस बात का दुख नहीं है मुझे, बल्कि दुख इस बात का है कि जो आपको करना चाहिए था वो तो आपने आज तक नहीं किया। आपको क्या लगता है सुगंधा ताई खुश है? आप कहते हैं कि उनकी खुशी आपकी पहली प्राथमिकता है, लेकिन क्या आपने कभी अपनी बहन को गौर से देखा भी है? वो जब भी यहाँ आती है मुझे उनके चेहरे पे हमेशा एक मजबूरी और झिझक ही दिखाई देती है, कभी खुशी नहीं दिखाई देती। तो फिर किस खुशी की बात कर रहे हैं आप? वसु सही कह रही है क्या? मैंने सच में कभी ध्यान नहीं दिया? आओ साईं, खाना खा लो। पता है मुझे, अब कहोगे कि बायजा माँ कुछ देर रुक जा। बहुत दिनों से देख रही हूँ साईं, मैं जानती हूँ ये भी तुम्हारी कोई नई लीला ही है। चलो भाई जमा खाना खा ले। बहुत भूख लगी है देव, जल्दी से। ये कैसे हो सकता है? बाजार जाने से पहले मैंने सभी दरवाजे खिड़कियां अच्छे से बंद किए थे, रोशनदान तक। फिर ये बिल्ली अंदर कैसे आ गई? लगता है उस बिल्ली को भी आपकी तरह दही खाने की लत लग गई है। अब मैं इस बिल्ली को नहीं छोड़ूंगा।
चलिए द्वारका में ही चलना है, संध्या के प्रवचन का समय होने को है। तुम चलो, मैं एक काम निपटा के आता हूं। ठीक है, जल्दी आइएगा। अब देखता हूं आज के बाद वो बिल्ली मेरा दही कैसे बर्बाद करती है। अब वो बिल्ली आज के बाद कभी वापस नहीं आएगी। अब सबसे पहले द्वारका माई जाके इत्मीनान से प्रवचन सुन के आता हूं, फिर पूरे 10 दिन बाद आज जी भर के दही खाऊंगा। जमा मैं ठीक हूं, लिप की जरूरत नहीं है। चुपचाप बैठे रहो तुम साई, जरा भी ध्यान नहीं है अपना। इतनी चोट आई है और कह रहे हो मैं ठीक हूं। क्या हुआ आपको साई, आपको चोट कैसे लगी? किसी की मदद कर रहा था, उसे मदद रास नहीं आई। क्या उसने आपको मारा? क्या आपको बहुत दर्द हो रहा है? पहले दर्द देते हो और फिर पूछते भी हो। मैं समझा नहीं साई। हंसराज, तुम्हारे भले के लिए ही तो मैं इतने दिनों से तुम्हें दही खाने से रोकने आया करता था। लेकिन आज तो तुमने छड़ी से ही मार दिया। माफ कर दीजिए साईं,
वो आप ही थे जो बिल्ली के रूप में मुझे दही खाने से रोकने आते थे। ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने जो पाप किया है उसके लिए मेरी माफी कोई मायने नहीं रखती। मैं तो वो अभागा हूं जिसने अपने गुरु को ही चोट पहुंचाई। मुझे तो जीने का ही हक नहीं। हंसराज, अगर मैं नहीं चाहता कि तुम जीवित रहो तो तुम्हें दही खाने से बार बार रोकता नहीं। मुझे माफ कर दीजिए साईं, मेरी वजह से आपको कष्ट हुआ। क्या तुम साई को जानते नहीं हो? अपने भक्तों के लिए साई हमेशा कष्ट झेलता रहता है। और तुम तो उसे अपना गुरु कहते हो। गुरु के लाख कहने पर भी अगर अपने मन की ही करोगे तो उसे ये सब करना ही पड़ेगा ना। चोट खाकर तुम्हारे भविष्य का दर्द दूर किया है साई ने। वो जानता था कि तुम तभी सुधरोगे जब तुम्हें ये पता चलेगा कि तुम्हारी खातिर तुम्हारे गुरु ने तुमसे चोट खाई है, और तब तुम्हें अपनी भूल का एहसास होगा। एक बात और, गुरु से कुछ भी छुपाओ, गुरु से कुछ भी छुपता नहीं है। ये पहले ही समझ जाना चाहिए था उस बिल्ली का आना आपकी ही कोई लीला है, वरना घर के सारे खिड़की दरवाजे रोशनदान बंद होने पर भी वो बिल्ली अंदर कैसे आती? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई साईं, मैंने पाप किया है। अब मैं जीवन में कभी दही नहीं खाऊंगा, कभी दही नहीं खाऊंगा। मुझे माफ कर दो साईं। कहने से कुछ नहीं होगा हंसराज, खुद को बदलने से होगा। उठो, दही समस्या नहीं है, समस्या है लालच। दही समस्या नहीं है, समस्या है लालच। जो कभी सेहत खराब करता है तो कभी दिमाग। और देखते ही देखते वो इतना बड़ा हो जाता है कि अपनी और अपने आसपास के लोगों की सुख शांति खा जाता है। इसलिए लालच जब भी दिखे
उसे वहीं खत्म कर देना चाहिए, बढ़ावा नहीं देना चाहिए। चाहे वो अपने मन का हो या किसी और के, क्योंकि लालच ऐसा है जो इंसान का दिमाग तो खराब करता ही है, साथ साथ उसके आसपास के मासूमों की खुशियों को भी उजाड़ देता है, उनका जीवन उदासी से भर देता है। दुर्लभ मानुष जन्म है देह न बारंबार, तरुवर जो पत्ता झड़े बहुरी न लागे डार। आपको क्या लगता है सुगंधा ताई खुश है? वो जब भी यहां आती है मुझे उनके चेहरे पे हमेशा एक मजबूरी और झिझक ही दिखाई देती है, कभी खुशी नहीं दिखाई देती। तो फिर किस खुशी की बात कर रहे हैं आप? मटके किसके लिए रंग रहे साई? किसी को जरूरत पड़ने वाली है। प्रणाम साई। राम जी भला करें। बैठो चंदू। एक जरूरी बात करनी थी साईं। आजकल मैं बहुत चिंतित रहता हूं, आप तो जानते ही है। मेरी बेटी विवाह योग्य हो गई है, उसके लिए अच्छा घर और वर ढूंढना भी शुरू कर दिया मैंने, पर मैं ठहरा गरीब मजदूर आदमी। बेटी को देने के लिए ना मेरे पास हीरे जवाहरात है, ना लड़के वालों को दहेज में देने के लिए पैसे। ऐसे में कोई अच्छे घर का लड़का कैसे मिलेगा? जो एक दो लड़के वाले मेरी बेटी को देखने आए थे उन्हें मेरी बेटी तो बहुत अच्छी लगी, लेकिन उनकी मांगें पूरी करने में मैं असमर्थ हूँ। आप ही बताइए साईं, क्या करूँ मैं? चंदू, इन दो मटकियों में से कौन सी पसंद है तुम्हें? यह रंगी हुई मटकी बहुत ही सुंदर है। अब जाओ, इस मटकी में पानी भर के लाओ। जी सही। मन में साई के क्या है कौन जान पाए, ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम बोलिए गणपति बाप्पा। मोरिया। वामन जी, पूजा संपन्न हुई। वैसे घर तो बहुत बढ़िया बनाया आपने।
देख के लगता नहीं वही पुराना वाला घर है। लगता है बहुत पैसे खर्च किए हैं आपने। सुन रही हो ना बेटी घर की तारीफ? इस तारीफ की हकदार तुम हो। जब से तुम्हारे शुभ कदम इस घर में पड़े हैं ना, तब से इस घर की दशा और दिशा दोनों बदल गई है। साक्षात लक्ष्मी बनकर आई हो इस घर में तुम। गीता राय, इस दीपक को अपने पूजा घर में रखवा दी। जाओ बेटी। इसमें तो दरार है, पानी बह रहा है। जल्दी से इस मटकी में पानी डालता हूं। बताओ चंदू, अब कौन सी मटकी चुनोगे? जिसमें पानी उड़ेला है अभी, पहले रंगी हुई नहीं है ये, पर सही सलामत तो है, अखंड। यही तर्क तुम्हें अपने निजी जीवन में भी लागू करना होगा चंदू, तभी तुम्हारी चिंता दूर होगी। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तुम्हारी बिटिया के लिए कई रिश्ते आएंगे, उनमें से कुछ सामने से बड़े अच्छे भी होंगे। बिल्कुल इस रंगीन मटकी की तरह। लेकिन अगर उनमें दान दहेज का लोप हुआ तो वो तुम्हारी बिटिया की शादीशुदा जिंदगी में इस दरार की तरह काम करेंगे। मान लो ये पानी तुम्हारी बेटी की खुशियां हैं, जिस तरह दरार वाली मटकी में पानी नहीं रुक सकता है, उसी तरह लालची लोगों के बीच तुम्हारी बेटी की खुशियां भी नहीं टिक सकेंगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम उसके लिए कोई सीधा साधा सच्चा लड़का चुनो, जिसके परिवार में दिखावा और लालच नहीं, प्रेम और एकता रूपी मजबूती हो। और हां, शादी ब्याह के मामले में जल्दबाजी ठीक नहीं होती चंदू, भले ही समय लगे, लेकिन कन्यादान उसी घर में करना जो दहेज नहीं बहू ढूंढ रहे हो। शुक्रिया साईं, आपने मेरी उलझन दूर कर दी। मुझे एक नई सोच दी आपने। आज से मैं दहेज लेने वाले लोभी परिवार को खुद मना करूंगा। राम जी भला करें।
बहू, पूरे घर की मरम्मत करा दी हमने, अंदर से बाहर तक एकदम नया बना दिया, लेकिन इस कमरे को वैसे का वैसा ही रखा। ऐसे क्यों किया हमने, यही सोच रही हो ना? ये कमरा इस हालत में है इसीलिए तो बाहर खुशियां है, रोशनी है। अगर इस कमरे को घर से बाहर निकाल दिया जाए तो खुशियां कैसे आएगी, है ना? शाबाश बहू, मुझे पता था तुम समझ जाओगी। अब जाओ, पूजा घर में दिया रख के आओ। वैसे अच्छा हुआ जो तुमने ये कमरा देख लिया। आखिर तुम्हारा ये जानना भी बहुत जरूरी है कि इस घर में ऐसा भी एक कमरा है और ये कमरा हमेशा रहेगा। इस कमरे को कभी मत भूलना बहू। बहू, तुमने अपनी थाली नहीं लगाई? नहीं आई, आप सब खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। नहीं बहू, ये गलत है। हम तो मानते हैं कि इस घर के अन्न पर पहला अधिकार तुम्हारा। हाँ सुगंधा, इस रसोई की काया पलट में तुम्हारा ही तो योगदान है। तुम्हारे घर वाले कितने दानी हैं, और आज इस घर को जो रंग रूप मिला है उन्हीं की कृपा से तो मिला है। बिल्कुल, इसलिए आज का खाना पहले तुम ही लोगी। गीता, हमारी बहू की रोज बलाइयां लिया करो, यह हमारे लिए बहुत ही शुभ है, इसे किसी की नजर ना लग जाए। हाँ, सच में बहू, मैं तुम्हारे लिए थाली लगा देती हूँ। आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। अरे नहीं, पहले तुम बैठो। चलो बैठ जाओ। शुरू करो बहू। अथर्वा। जी बाबा। बेटा, इस घर की मरम्मत तो हो गई, अब सोच रहा हूं कि अपने खेत में भी एक घर होना चाहिए। ये तो बड़ा अच्छा विचार है बाबा। वैसे कितना खर्चा आ जाएगा? अरे खर्चे की चिंता तुम क्यों कर रहे हो, जितने भी लगेंगे उतने पैसे तो आ ही जाएंगे। बाबा, अब और पैसे नहीं मांग सकती मैं आई बाबा से।
क्योंकि अब पैसे नहीं है उनके पास देने के लिए। सुगंधा, अगर उन्हें देने में परेशानी नहीं है तो तुम्हें लेने में क्या परेशानी है? और फिर तुम्हारे पैसे मांगने में हर्ज क्या है? उस घर में जो भी है उस पे तुम्हारा भी तो हक है ना। जो मेरा था उससे कहीं ज्यादा ले चुके हम वहां से। अब और मत मांगे। आपने देखा तो था, गणेश दादा ने इस बार अपने व्यापार के पैसे भी दे दिए आपको। अब सच में उनके पास कुछ भी नहीं बचा है देने के लिए। देख सुगंधा, हमने इसीलिए उस कमरे की मरम्मत नहीं करवाई। याद है ना उस कमरे की हालत? तू समझ रही है ना मेरा इशारा? बहू, हम इतने भी जल्लाद नहीं है कि आज ही पैसे मांगने चले जाएंगे। हफ्ते दो हफ्ते में तुम्हारे बाबा की खेतों की फसल कट जाएगी। और सुना है इस बार तो फसल सोना उगल रही है। अथर्वा जी बाबा, बेटा 15-20 दिन के बाद की तैयारी करो शिरडी चलने की। और हाँ, इस बार हम भी चलेंगे। बहुत दिन हो गए समधी जी से मिले हुए। तब तक तुम खेत के घर का नक्शा भी बनवा लेना। जरूर बाबा। भाई जम्मा, शाम को ही तो घर गई थी ना, आराम भी नहीं किया और मेरे लिए खाना लेकर आ गई। बेटे को चोट पहुंची हो तो कौन सी माँ आराम कर सकती है? चलो खा लो तुम। भाई सामा, मैं खा लूंगा। तुम रहने दो, मैं खिलाती हूँ। जब से तुमने उसे संगीत से मिलाया है तब से एक तारा उसकी पहचान बन गई है। ऐसे लगता है जैसे एक तारा बजाते हुए भजन गाने के लिए ही जन्मा था दासगण। प्रणाम साई। राम जी भला करें। क्या बात है साई, क्या हुआ आपको?
वही जो हमेशा होता है। अब चिंता मत कीजिए भाई साहब का, अब मैं आ गया हूं ना। जब तक मैं यहां पे हूं, साई का पूरा ख्याल रखूंगा। लेकिन इतनी रात गए यहां कैसे? साकोरी में कीर्तन है, एक अरसे से आप सबके साथ समय बिताने की बड़ी इच्छा हो रही थी तो आ गया। अच्छा किया, आओ खाना खा लो। साई, मेरी भूख तो आपके दर्शन से ही मिट गई। तो फिर साई का प्रसाद समझकर खा लो। जी आओ हाथ धो लो। मैं साई से अभी यही कह रही थी कि एक तारा तुम्हारी पहचान बन गई है। जितनी मीठी आवाज तुम्हारे कंठ से निकलती है उतनी ही मीठी धुन तुम एक तारा से निकालते हो। सब साई की कृपा है। एक कीर्तनकार के लिए अगर उसकी आवाज दाहिना हाथ है तो एक तारा बाया। साई, कीर्तन सेवा में रमाकर आपने मुझे दिव्य सुख की प्राप्ति कराई है। सच्चा सुख यही है और जीवन की सार्थकता भी। गणु, तुम्हारी रुचि थी इसलिए तुम्हारी मदद के लिए ईश्वर ने मुझे माध्यम बना दिया, और मैंने तो केवल तुम्हें तुम्हारे मकसद की ओर बढ़ने के लिए केवल प्रोत्साहित किया।